आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 3 BHK फ्लैट जो है विद बालकनीज। सो यहाँ पर आपने को मिलता है सेपरेट वेलकम एरिया। इसका वास्तु कंप्लायंट फ्लैट है और ये नॉट एग्जिट फ्लैट है। सो आपके राइट हैंड साइड में वेस्ट एरिया, लेफ्ट हैंड साइड में ईस्ट एरिया। दिस इज 270 डिग्री ओपन व्यू यू गेट। वी हैव 2 फ्लैट्स ऑन 2nd and 3rd फ्लोर विच आर अवेलेबल। You have a separate living room and dining area. That is the best part. Not a typical 3 BHK flat. This is huge. So as you can see, a proper, almost square shape. आपको मिलता है hall and you have a super French window in which you have a proper balcony. And this is your running balcony which is going till your kitchen. So you can either use that particular area as a washing machine or dryer area, or you can use the balcony also. So basically 3 BHK flat around 1250 carpet area, 4 proper balconies है, plus 2 separate dry area भी बना सकते हैं हम लोग, वो आपको मैं दिखाता हूँ shortly. So just enjoy this long running balcony. It's almost like a terrace, ये बटन आपका almost like that. एंड इसमें ग्रिल लगाने की ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। सो जस्ट लुक एट फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज ऑल्सो डिसेंट। फॉल सीलिंग भी करी हुई है। अगेन यू हैव प्रॉपर वेंटिलेशन ऑल्सो बिकॉज आपका ईस्ट फेसिंग है और वहाँ पर आपका नॉर्थ में छोटा सा विंडो भी है। सो प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता है। एंड दिस इज योर किचन। वेन यू लुक एट योर किचन इट्स फैंटेबुलस, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग किचन इट इज बिकॉज डिसेंट साइज है। बट ऐसा नहीं कि किचन सबसे बेस्ट है, इसका लिविंग रूम और बेडरूम बेस्ट है क्योंकि सारे बेडरूम में मास्टर रूम है, सब में वॉशरूम अटैच है। दिस इज़ योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम एंड एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ टिपिकल साइज रूम, इट इज़ मच बिगर देन व्हाट नॉर्मली वी आर गेटिंग इट। एंड दिस इज़ योर अगेन रनिंग बालकनी विच इज़ नाइस, अराउंड 2 feet x 10 की है। And this is your washroom. Now there is a hidden place here. You have a separate dryer area here. So अगर आपको washing machine वो use नहीं करनी है तो यहाँ use कर सकते हो, इतनी facility है यहाँ पर। So you can use this as a dryer area which is fantabulous. And this is your washroom. So this is located in Zain Nagar, Prabhat Colony, very close to Yoga Institute and very close to Yes Bank Highway and very close to station also. This is your welcome area where you can put a shoe rack, or shoe rack you can put outside only because there is only one flat, one floor. You can put your Ganpati or any Mandir there also if you want. This is your second bedroom. So windows are nice. So look at the windows, nice balcony भी है and now इस washroom में भी dry area है। So basically you have 4 balconies and 2 separate dry area also. तो बारिश वारिश के टाइम पर आप कपड़े यहाँ पर भी सुखा सकते हो। So now let me show you some other room also. So एक कार पार्किंग मिलती है फ्लैट के साथ में and obviously there is a provision of few other car but then you have to talk to society. और इसके बाहर भी आपको पार्किंग मिल जाती है। अगेन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन यू हैव दिस थिंग। दिस इज योर बेडरूम, मास्टर बेडरूम, अगेन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, इट इज माइंड ब्लोइंग। अगेन नॉट अ टिपिकल साइज फ्लैट। सो अगर आप दिल्ली से हो या कहीं से हो तो दिस इज अ वेरी नाइस फ्लैट। द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट टिपिकल मुंबई टाइप, इट्स नाइस डिसेंट। और यहाँ पर आपको बालकनी मिलती है, वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि मुंबई में बालकनी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो मैं आपको इसका नीचे से भी दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है बिल्डिंग एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी वेयर पॉइंट ऑफ टाइम, वी अवेलेबल 24/7। So please continue this video. In the end, I'll show you how this building looks from outside.